हेलो स्टूडेंट टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इससे पहले मैंने आपको माल्थस की थ्योरी बताई थी अब मैं आपको ऑप्टिमम जो है पॉपुलेशन थ्योरी बता रही हूँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में जो है जो इकोनॉमिकट है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कंट्री में कौन सा जो लेवल होगा पॉपुलेशन का वो बेस्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ऑप्टिमम लेवल जो होगा पॉपुलेशन का एक एसेंशियल लेवल होता है कंट्री का कि एटलीस्ट इतनी तो पॉपुलेशन कंट्री में होनी चाहिए और उस लेवल पर जो कंट्री में होगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा जितने भी कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और मैक्ममम प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है तो ऑप्टिमम लेवल पॉपुलेशन का वो होगा जहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो इस ऑप्टिमम साइज पर जो है वो पर कैपिटा इनकम भी मैक्सिमम होना ऑलमोस्ट कंपलसरी माना जाता है कि उस लेवल पर पर कैपिटा इनकम भी कंट्री की हाइएस्ट हो और ऑप्टिमम लेवल पर जो है वो क्वान्टिटेटिव जो रिसोर्सेज हों रिसोर्स जो हैं उनकी क्वान उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो नॉलेज जो है वो अपडेट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो तो तीन कंडीशन और ऐड कर दी है कि एक तो क्वालिटेटिव रिसोर्स का जनरेशन हो कैपिटल जो है फॉर्मेशन रेट वो हाईएस्ट आए नॉलेज जो है वो हेल्प जो है वो कंट्री की जो टेक्निकल नॉलेज है एटलीस्ट वो सब इंक्रीज हो तो वो लेवल जो है वो मैगजिम होगा देन अकॉर्डिंग टू हिस्स इसको डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से डिफाइन किया कि विच लेवल इस ऑप्टिमम इन पॉपुलेशन देन अकॉर्डिंग टू हिस्क ऑप्टिमम पॉपुलेशन का वो लेवल होगा जहां पर कि जो है आउटपुट का लेवल जो है वो कंट्री में मैक्सिमम होगा तो अकॉर्डिंग टू हिस्क वेयर द मैक्सिमम आउटपुट लेवल इज हाईएस्ट द पॉपुलेशन लेवल इज आल्सो ऑप्टिमम नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके सेकेंड जो डेफिनेशन दिए इट इज अकोर्डिंग टू प्रोफेसर प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि वेयर द लिविंग स्टैंडर्ड इज बेस्ट बेटर तो वो लेवल जो होगा पॉपुलेशन का वो हाईएस्ट होगा कि जहाँ पर जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो मैक्सिमम हो बेटर हो बेस्ट हो देन विच लेवल इज एज या दिस लेवल इज एज ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन अगैन जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है वो है प्रोफेसर कैरन के अनुसार तो कैरन ने वो कहा है कि जहाँ पर आपका कंट्री में जो है वो प्रोडक्शन हाईएस्ट हो जिस लेवल पर प्रोडक्शन हाईएस्ट हो इकोनॉमिक वेलफेयर कंट्री में जो है वो मैक्सिमम हो तो वही लेवल जो होगा वो कंट्री का बेटर लेवल होगा हाइएस्ट लेवल होगा तो दीज आर द डेफिनेशन विच आर गिवन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट अब ये आ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम लेवल होगा वहाँ पर केवल मात्र पॉपुलेशन का साइज ही नहीं बल्कि पर कैपिटल इनकम भी बेस्ट होगी और क्वालिटेटिव चेंजेस जो है वो हमारी पॉपुलेशन में होंगे अब आता है नेक्स्ट आता है कि इसकी एजम्पन्स क्या है इस थ्योरी को प्रोवाइड कर करके इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी एजम्पन्स दिए जब तक वो एजम्पन्स जो है वो ऑपरेट नहीं होगी तब तक ये ऑप्टिमम जो थ्योरी है पॉपुलेशन की एटलीस्ट वो भी ऑपरेट नहीं हो पाएगी तो सबसे पहला है कि जो पोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन्स का पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन विथ टोटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट की जो भी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है सपोज कीजिए टोटल पॉपुलेशन है हंड्रेड करोड़ और उसके साथ वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो है फोर्टी करोड़ तो अगर ऑप्टिमम लेवल इम्प्रूव होता है अब यहाँ पर रेशियो क्या हो गया फाइव टू यहाँ पर आपका रेशियो हो गया वो टू इज़ टू फाइव का हो गया कि फ़ाइव में से टू जो है वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो अगर ये लेवल बढ़ता है यहाँ पर वन ट्वेंटी हो जाता है तो ये लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इन दोनों में जो रेशो होगा इट इज़ रिमेन कॉन्स्टेंट एज़ वेल एज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज हुई बट ये रेशियो जो होगा वो कॉन्सटेंट ही रहेगा तो टोटल पॉपुलेशन का वर्किंग पॉपुलेशन के साथ जो रेशियो होता है इट इज़ कांस्टेंट रहता है उसके बाद जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज है टेक्निकल रिसोर्सेज है ये कैपिटल है दीज आर आल्सो कांस्टेंट सेकंड एजम्पन्स जो इस थ्योरी की है कि हमारी कंट्री में जो भी होंगे नेचुरल रिसोर्सेज हो टेक्निकल रिसोर्सेज हो कैपिटल रिसोर्सेज हो दीज़ आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट लेवल पर ही होंगे उनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दीज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट और लॉफ डिमनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट होता है ये एक अजम्शंस है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो है लॉ ऑफ डिमनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हो रहा है और उसके बाद यह होता है कि एक एवरेज प्रोडक्शन हाइस्ट होगा हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हाइएस्ट होगा ऑप्टिमम जो है कॉम्बिनेशन सेट से रिसोर्स का ऑप्टिमम जो एवरेज प्रोडक्शन हाइस्ट होगा और उसका रिजल्ट यह होगा कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो रिसोर्सेज का वो भी पॉसिबल हो जाएगा तो दीज आर द एजम्पन्स ऑफ दिस थ्योरी नाउ एक्सप्लेशंस ऑफ दिस थ्योरी कि ये थ्योरी एटलीस्ट क्या एक्सप्लेन कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोर्शंस सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस में होगा जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो कॉम्बिनेशन किया जाएगा वो बेस्ट किया जाएगा और उससे ऑप्टेन करने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले मैक्सिमम आउटपुट की तो पहला इसको एक्सप्लेन करा है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका एक अप्रोप्रिएट जो है वो कॉम्बिनेशन सेट प्रिपेयर कर लिया उसके बाद प्रोडक्शन हाइएस्ट किया गया और उसके बाद कंप्लीट यूटिलाइजेशन किया गया जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंप्लीट बेटर और बेस्ट जो है वो यूटिलाइजेशन किया गया और ये जो सब कुछ किया गया वो लेबर फोर्स के भी पे किया गया जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमारी इकोनॉमिक में यूटिलाइजेशन किया जाता है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन लेबर फोर्स यानी कि वर्किंग फोर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज आप कुछ को कह लीजिए अब आगे कह रहा है कि इफ़ द अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशन इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट नेक्स्ट लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि इफ़ द अवेलेबल पॉपुलेशन इज लेस अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी अवेलेबल पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस देन रिक्वायरमेंट या सफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सिस की रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए ये जो वर्किंग फोर्स या लेबर फोर्स का जो लेवल था अगर वो लोअर लग रहा हो एंड विल नॉट बी पॉसिबल और जो है उनका यूटिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो रहा जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लेस है तो प्रोडक्शन जो होगा वो लो होगा यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा लो होगा नेशनल इनकम लोअर होगी पर कैपिटा इनकम जो है वो भी लो होगी देन दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज अंडर पॉपुलेशन पहली सिचुएशन अंडर पॉपुलेशन की कहलाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेबर फोर्स का अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका भी नहीं हो रहा जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आपको जो है ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर इनकम लवर पर कैपिटा इनकम लवर नेशनल इनकम लवर तो इस स्टेज को हम अंडर पॉपुलेशन के स्टेज पर कहेंगे एट दिस स्टेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ नेसेसरी तो यहाँ पर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना कंपलसरी हो जाता है तो ये पहली सिचुएशन थी कौन सी अंडर पॉपुलेशन की थी जहाँ पर कि क्या हो गया पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना जो है वो हो गया इफ़ द अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशन इज़ लेस देन तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा अब होगा एट दिस इंक्रीज इंक्रीज इन सो एज़ फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो हम फुली यूटिलाइजेशन कर सकेंगे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और इंक्रीज इन पॉपुलेशन मैक्स डिवीजन ऑफ लेबर अब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाएगा स्पेशलाइजेशन जो है कंट्री में वो क्रिएट हो जाएगा और हर अपनी अपनी फील्ड का जो है वो काम करेंगे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज का हो जाएगा देखिए वापस ध्यान से सुनिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया क्योंकि अब ज़्यादा जनसंख्या है हमारे पास लोग अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर काम में हो सकता है तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा स्पेशलाइजेशन क्रिएट होने की वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो का वो जो है वो पॉसिबल जो है वो हो पाएगा और इस स्टेज पे जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री में वो इंक्रीज होगी और इस सिचुएशन नॉन एज ऑप्टीम पॉपुलेशन लेवल इस सिचुएशन को हो हम ऑप्टिमम लेवल के नाम से जानेंगे क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर दिस स्टेज अब आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन का लेवल आ गया क्योंकि वहाँ पर बेटर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का और प्रोडक्शन स्टेज हुआ अब अगर उसके बाद भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है आफ्टर दिस स्टेज तो टोटल तो प्रोडक्शन इंक्रीज एंड डिमिनिशिंग रेट तो हमारे टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस होगा वो डिमनिशिंग रेट से होगा टोटल प्रोडक्शन उतनी रेपिड रेट से इंक्रीज नहीं होगा तो कंपनी में पर कंट्री में पर कैपिटल इनकम का जो इंक्रीमेंट की रेट होगी वो भी हो भी लोअर होगी एंड एक्चुअल पॉपुलेशन बिकम मोर तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी पॉपुलेशन बिकम मोर एंड ऑप्टिमम पॉपुल इस सिचुएशन को कहेंगे ओवर पॉपुलेशन देखिए सबसे पहला अंडर थी फिर बेटर हो गई अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ उसके बाद भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई बट जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हुआ पर कैपिटल इनकम जो है वो लोअर हो गई और, और भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इट मीनस ये ओवर पॉपुलेशन की जो है स्टेज कहलाई जाएगी यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हाई हो जाएगा तो इट इज बेटर टू रिड्यूस द पॉपुलेशन तो हमें पॉपुलेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन को इस स्टाइल से नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट आपको यहां बता रखा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम एंड जो है सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन कि सपोज कीजिए किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो इस स्टाइल्स की है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए अब उसमें पर कैपिटा जो इनकम है वो टेन 10 पे हंड्रेड ये इस स्टाइल से आपको पर कैपिटा इनकम भी जो है वो दे रखे हैं तो जब टेन पॉपुलेशन थी तो हंड्रेड करोड़ थी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था रिसोर्सेज का नेक्स्ट इंक्रीज़ हुई तो थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हुआ फिर और इंक्रीज़ हुई तो थोड़ा सा और यूटिलाइजेशन है लेकिन जब फोर्टी पर पहुंचे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया यहाँ पर हाइएस्ट जो पर कैपिटा इनकम थी हम एक हाइएस्ट लेवल को टच कर चुके हैं अब इस हाइएस्ट पॉइंट्स के बाद भी आपके यहाँ पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज़ हो रहा है बट आप देखिए कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है या नेशनल इनकम है या जो भी कुछ है जी है उसमें जो है वो डाउनफॉल आ रहा है स्लो रेट से जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अंडर पॉपुलेशन की कंडीशन थी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एटलीस्ट

इट इज़ इविडेंट फ्रॉम द टेबल दर दा यह आपको इस टेबल से पता ही चलेगा कि पॉपुलेशन स्टार्टिंग में लवर थी फिर आपने कंट्री में जो थे जो रिसोर्सेज थे एटलीस्ट इंक्रीज हुए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एवरेज पर कैपिटा इनकम भी जो है वो आपकी इंक्रीज हुई और पूरे ग्राफ को समझते हो तो आप फोर्टी करोड़ जो था हमारा वहाँ पर फोर हंड्रेड करोड़ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बेटर साइज था बेस्ट साइज था इसलिए उस सिचुएशन को हम ऑप्टिमम पॉपुलेशंस का लेवल कहेंगे इसके बाद जो है डिक्रीज होता गया तो ये जो कहलाएगा आपका अब डिक्रीज़ क्यों हुआ क्योंकि आपकी ओवर पॉपुलेशन होगी और पहले इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ था क्योंकि आपकी कंट्री में अंडर पॉपुलेशन की जो सिचुएशन थी वो अवेलेबल थी नेक्स्ट एक ग्राफ है जो ग्राफ प्रिपेयर किया गया हेयर वी आर शोइंग पर कैपिटा इनकम या प्रोडक्शन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन का साइज़ ओ क्यू है और ये जो है आपका ओ पी है ये आपका ग्राफ जो है ए पी जो आपका ग्राफ है वो आपके एवरेज प्रोडक्शन को शो कर रहा है ए पी का ग्राफ देखिए स्टार्टिंग में ये इंक्रीज हो रहा है ग्राफ तो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास रिसोर्सेज कम थे इंक्रीज़ हुआ और रिसोर्सेज जनसंख्या बढ़ी और हुआ पॉपुलेशन और इंक्रीज़ हुई आपका एवरेज प्रोडक्शन बहुत हुआ तो ये अंडर पॉपुलेशन की जो सिचुएशन थी उसको शो करिए क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट हो गया एज वेल एज द रिसोर्सेज विल इंक्रीज द प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये सिचुएशन हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कंटिन्यूस है उसके बाद आप जा करके देखिए कि थोड़ा सा कॉन्स्टेंट फीलिंग्स आ रही है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डाउनफॉल हो रहा है तो यहाँ पर जहाँ कॉन्स्टेंट हुआ ये हम हाइएस्ट फोर करोड़ रुपीज़ को जो ये बता रहा है और ये फोर्टी करोड़ को बता रहा है आपका तो ये जो टी पॉइंट है आपका वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का पॉइंट है टी पॉइंट पर जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई है फोर हंड्रेड करोड़ रुपीज़ उसके बाद के सिचुएशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हो रहा है पॉपुलेशन विल इंक्रीज बट टोटल प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट होने की वजह से आपकी एवरेज प्रोडक्शन में जो है वो डाउनफॉल आ रहा है देन द टी सिचुएशन इज बेस्ट सिचुएशन हेयर द क्यू ओ क्यू इज़ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड ओ पी इज़ द जो है वो आपका बेस्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम या आपकी जीडीपी जो है वो ओपी जो है वो बेस्ट जीडीपी है तो इस स्टाइल से आप इस ग्राफ के हेल्प से भी इसको समझा सकते हो नेक्स्ट वापस वही आपका ग्राफ है इस ग्राफ में वापस आपको सही वारी चीजें दी हुई है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन का साइज कौन सा है ओ क्यू आपके जो पॉपुलेशन को शो किया गया है क्यू टी जो है वो आपकी पर कैपिटा बेस्ट इनकम है और इस प्रकार से जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न से आपको अंडर पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन इन तीनों सिचुएशन को जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है अब सिचुएशन ये आती है कि ये जो पर्टिकुलर आपका ग्राफ है वो आपका जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है इसमें आपके चेंजेस होते रहते हैं एज वेल एज द रिसोर्सेज विल चेंज ये आपका पॉइंट्स जो है वो फिर चेंज हो जाएगा तो ऑप्टिमम पॉइंट इज गोइंग टू चेंजेस ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट्स जो होगा वो चेंजेस होता जाएगा जिस स्टाइल से हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस जो है वो हमारे फेवरेबल होएगी नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्री के होंगे जो एडवांटेज मिलेंगे टेक्नोलॉजिकल जो चेंज हो जाएंगे तो इन सभी से फॉरेन कैपिटल एफ डी आई हाइएस्ट अगर होता जाएगा तो ये सब कंसिक्वेंटली इस ऑप्टिमम लेवल को ट्रांसफ़र करते जाएंगे और ये हाई टू हाई पॉइंट्स पर जो है वो पहुँचता जाएगा एंड गैस चेंजेस और एवरेज जो है हमारी फ़िजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूस जो है वो इनक्रीज़ हो जाएगी तो इन सब के इनक्रीज़ होने के पीछे कौन कौन से लॉजिक थे सबसे पहले फेवरेबल नेचुरल रिसोर्सेज था एडवांस टेक्नोलॉजी थी एफ जो था वो था इकोनॉमिक पॉलिटिकल और जो सोशल चेंजेस थे वो भी हमारे फेवरेबल थे तो इस वजह से किसी भी कंट्री का ऑप्टिमम लेवल जो है वो चेंज हो जाता है इस ग्राफ में आप इसको देख सकते हो पी वन और पी की जो सिचुएशन है टी वन टी तो टी पर जो था वो आपका क्या हुआ पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है बट उसके भी एक ऑप्टिमम साइज जो है वो आपको बता रहा है कि ये जो ऑप्टिमम साइज है पी टू वो आपकी पॉपुलेशन का जो है वो ऑप्टिमम साइज और यहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्यू टू रहेगी तो इस स्टाइल से आपका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो सकता है किसी भी इकोनॉमी में अब आता है कि डिटर्मिनेशनस ऑफ अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन की किसी कंट्री की अंडर और ओवर पॉपुलेशंस होगी उसमें हम एक मेल एडजस्टमेंट जो है माल एडजस्टमेंट पॉपुलेशन का वो करते हैं अब इट मे भी पॉसिबल कि ये अंडर हो और इट मे भी पॉसिबल कि ये ओवर हो तो ये एक एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है हर कंट्री में इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन इफ़ एक्चुअल पॉपुलेशन इज़ लेस देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन देख वापस ध्यान से सुनिए एक्चुअल पॉपुलेशन इज लेस देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो ऑप्टिमम है उससे कम है तो ये सिचुएशन जो होगी वो नेगेटिव होगी इसको हम अंडर पॉपुलेशन के साम के नाम से जाना जाएगा कि जो एक्चुअल होनी चाहिए वो बहुत कम है जबकि ऑप्टिमम लेवल कुछ और बता रहा ऑप्टिमम लेवल वही होगा जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम हाइएस्ट होगी टू ओवरकम अंडर पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डिजायर तो अब अगर अंडर पॉपुलेशन है तो कंट्री में यह डिज़ायर रहती है कि एटलीस्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए बट दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर द व्यू ऑफ मैगजिमम वेलफेयर बट ये उससे ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए जहाँ पर कि हमारा मैगजिम कंट्री में वेलफेयर हो उस पॉइंट से जो है वो आगे नहीं होनी चाहिए और व्हेन एक्चुअल पॉपुलेशन इज इक्वल टू अगर सपोज कीजिए दोनों इक्वल है तो वही लेवल जो होगा वो कंट्री का बेस्ट लेवल होगा इकोनॉमिक वेलफेयर हाईएस्ट होगा और यहाँ पर हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो भी हाईएस्ट होगा आप एक एग्जांपल एक के हेल्प से आप इस बात को समझ सकते हो कि सपोज कीजिए जो डॉल्टन है उसने एक जो है फॉर्मूला जो है आपको दिया कि एम इज़ इक्वल टू ए माइनस ओ एम मीन स्माल एडजस्टमेंट की किसी भी कंट्री में एडजस्टमेंट किस स्टाइल से होता है ए मीन्स एक्चुअल ओ मीन्स आपका ऑप्टिमम लेवल है अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया है कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है इट इज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑप्टिमम वन लैख ट्वेंटी है और आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट एक्चुअल तो है वन ट्वेंटी और ऑप्टीमम है वन लैख तो आपकी एक्चुअल हो गई वन ट्वेंटी और आपका ऑप्टिमम लेवल है हंड्रेड वन लैख देखिए वापस समझ लीजिए कि यहाँ पर कंट्री में एक्चुअल ज़्यादा है और ऑप्टिमम कम थी इट मीन्स ये जो चेंज आया है वो आपका किस में आया है प्लस का चेंजेस आया है तो दिस इज़ शो ओवर पॉपुलेशन अगर प्लस का चेंज आता है इट मीन्स ओवर पॉपुलेशन है कंट्री में और आपका ऑप्टिमम लेवल इतना ही हो और एक्चुअल इतना हो तो ये नेगेटिव एडजस्टमेंट जो है वो आपका कंट्री में कहलाया जाएगा कि कंट्री में इस स्टाइल से यहाँ पर देखिए दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज ऑप्टिमम तो ये माइनस में आया माइनस का मतलब कंट्री में अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन है कंट्री में अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक ग्रेथ को ग्रोथ को अगर हाईएस्ट करना है तो इस स्टाइल से कुछ चेंजेस जो है कंट्री में करने होंगे अब नेक्स्ट आता है कि पॉइंट ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक कि हमारी इसमें जो है वो ऑप्टिमम लेवल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है वो डायनेमिक रहता है टाइम टू टाइम जैसे हमारी ये एक स्टैटिक और सर्टेन सिचुएशंस नहीं है किसी भी कंट्री के कांस्टेंट सिचुएशन नहीं है ये मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर बेटर इंप्रूवमेंट हो गया कंट्री में तो ये जो है वो अपवार्ड चली जाएगी सिचुएशन आपका अगर बेटर एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंज अच्छे हो रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हो रही है टेक्निक अगर आपकी अपडेट हो रही है तो ऑप्टिमम क्राइटेरिया जो होगा वो जो है आपका फास्ट फॉरवर्ड जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगा और इन सर्टेन टाइम में जो है वो एटलीस्ट वहीं पर कॉन्स्टेंट रहेगा आफ्टर टाइम्स अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो गई तो इसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है इस पॉइंट में जैसे ही आपकी सिचुएशन चेंज होगी आपका ऑप्टिमम लेवल भी चेंज हो जाएगा तो इसकी फास्ट फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग इज डिपेंड अपॉन द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा नेक्स्ट आप इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो था दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकेंड बट फर्स्ट ये था कि यहाँ पर जो है ऑप्टिमम लेवल हो रहा था और सेकेंड यह था तो ये जो इकोनॉमिक में चेंजेस आया इट टोटली डिपेंड अपॉन द बेटर यूटिलाइजेशन बेटर इकोनॉमिक कंडीशन टेक्निकल नॉलेज इससे हमारी इकोनॉमिक में पहले ये पॉपुलेशन जो थी वो ऑप्टिमम लेवल थी नेक्स्ट टाइम पर ये पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल पर है यहाँ पर पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी और यहाँ पर भी जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट हो रही है तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंज के हिसाब से जो है वो चेंजेस किया जा सकता है नेक्स्ट होता है कि एन ऑब्जेक्टिव बेस है ये ये जो थीम है थ्योरी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की एक एक ऑब्जेक्टिव बेस है और उसका बेस ये है कि अगर पॉपुलेशन अगर मोर हुई इन कंपेरिजन एन ऑप्टिमम तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और अगर अंडर हुई तो भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है इट मीन्स कंट्री में एक ऑप्टिमम लेवल होना बेटर है बेस्ट है हाईएस्ट भी बेटर नहीं है और लोएस्ट भी बेटर नहीं है उसके बाद इट इज़ नॉट द थीम ऑफ क्वांटिटेटिव, बट इट इज़ द थीम ऑफ क्वालिटेटिव इस अप्रोच में जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए क्वालिटेटिव होना चाहिए हाइएस्ट होनी चाहिए टेक्निक अपडेट होनी चाहिए तो ये सारी बातें ये एक्सप्लेन कर रही है कि हमें क्वांटिटेटिव चेंजेस ही नहीं चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन ही हाईस्ट हो बट क्वालिटेटिव चेंजेस भी चाहिए ह्यूमन बींग्स की सोशल लाइफ जो है सोसाइटी में वो भी बेस्ट हो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो अच्छी टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो तो ये सारी बातें कहने की वजह से ये जो हमारी थ्योरी होगी इट इज़ टोटली क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाएगी क्योंकि ये कंट्री में एक क्वालिटेटिव चेंजेस जो है वो चाहती है अब व्हाट आर द क्रिटिसिज्म इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि दिस इज़ नॉट ए थ्योरी बट एन आइडिया कि ये कोई थ्योरी नहीं है रियल में ये एक जस्ट आइडिया है ये आपको इस बात का आंसर नहीं देती कि वाई एंड हाउ ये जो दो क्वेश्चंस किसी थ्योरी में होते हैं एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती है ये आपको एक सर्टेन पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि विच इज द बेस्ट लेवल ऑफ द पॉपुलेशन्स तो ये आपको केवल मात्र उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं बता रही है उस सिचुएशन को किस स्टाइल से फेस किया जाए यह नहीं बता रही है आपको एक ऑप्टिमम लेवल जो है जो आपके डेटा पे बेस्ट है कि आपके सारे डेटा उनको दे दीजिए वो आपको बता देगा कि कौन सा बेस्ट है तो ये केवल मात्र एक आइडिया है एक कंक्लूज़न है कोई थ्योरी नहीं है या कोई रिजल्ट ये आपको नहीं बता रखी है उसके बाद इट इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम पॉइंट अब आप खुद ही देख रहे हो कि ऑप्टिमम पॉइंट्स जो है उसको डिटर्मिनेट करने में कितनी डिफिकल्टीज आती है कि अगर थोड़ा सा भी हमारी इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन हो गया तो हमारी टोटल सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी और इकोनॉमिक इज नॉट कॉन्स्टेंट इट इज डायनेमिक आप सभी जानते हो कि इकोनॉमिक डायनेमिक है यहां पर जो चेंजेस होते हैं एलिमेंट्स में उनमें बहुत ज्यादा चेंज होते हैं टेक्निक चेंज हो जाती है सर्च चेंज हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज में चेंजेस होते हैं लेबर फोर्स की एफिशिएंसी तक, तक तक चेंज हो जाती है क्योंकि उनमें क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाते हैं तो इस बिहाफ पे जो है एक टाइम पीरियड में एक पॉइंट बेस्ट था उसके बाद दूसरा बेस्ट था उसके बाद तीसरा बेस्ट था इसको बेस्ट माने तो ये बेस्ट नहीं होगा इसका कंपैरिजन इससे करें तो ये बेस्ट था तो आप यहाँ टोटली यह नहीं कह सकते कि विस सिचुएशन इज़ बेस्ट अगर आप इस ग्राफ को समझो और डिफरेंट टाइप्स के आप इनको लो ए आर ए आर को इन दोनों में कम्पेरिजन करो तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये बेटर था और अगर इन दोनों में करो तो आपको ये लगेगा कि दिस इज़ बेस्ट यहाँ हम अंडर पॉपुलेशन में हैं और अगर इन दोनों में करो तो ये ओवर पॉपुलेशन आ जाएगा ये ओवर पॉपुलेशन को शो करेगा ये ऑप्टिमम और ये अंडर को करेगा तो आप तीनों कंडीशन को अगर अलग अलग आप इनके स्टडी करते हो तो एक रिजल्ट जो कहीं राइट right लग रहा है दूसरा रिजल्ट वहीं आपको रॉन्ग लगेगा आप इस थी पूरी थ्योरी को एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिचुएशन जो है वो बेस्ट है आप आपस में एक दूसरे का कर, कर कर के देखो कि एक्चुअल क्या थी और उसके बाद की सिचुएशन आपकी क्या सिचुएशन जो है वो आ जाती है नेक्स्ट इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि द थ्योरी डज नॉट गिव अप एनी इम्फेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन आस्पेक्ट कि ये नेशनल इनकम को किस स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि पॉपुलेशन का कौन सा लेवल बेटर हो कि जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल हो और किसी स्टाइल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कोई डिस्पेरिटीज जो है नहीं हो वेलफेयर हाईएस्ट हो किसी इसका इस स्टाइल का कोई मिस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो सभी को जो है वो सोशल राइट्स जो है इक्वली मिले बर्थ राइट इक्वली मिले तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन ये थ्योरी हमारी नहीं कर पा रही कि किस स्टाइल से नेशनल इनकम का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके बाद इट कंसिडर ओनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इसको केवल मात्र आप इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकते हो कि हाँ ये लेवल ऑप्टिमम है क्योंकि आपको और दूसरे एस्पेक्ट से लो आप सोशल से लो पॉलिटिकल से लो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से लो तो ये थ्योरी जो है कोई बेटर रिजल्ट जो है वो हमारी कंट्री में जो है वो नहीं दे पा रही है ये किसी भी कंट्री को नहीं दे पा रही है किसी भी स्टाइल से उसके बाद है ये नो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इन दिस थ्योरी थ्योरी की कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि इसके बिहाब पे आप किसी डिफिकल्टी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होंगे लॉन्ग पीरियड में पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होंगे अंडर पॉपुलेशन कब होगी ओवर कब होगी तो ये जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से पॉइंट्स जो है किसी भी स्टाइल से कोई भी इसको प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं देता है क्योंकि ये जो है वो डायनेमिक थ्योरी है कंटिन्यूस चेंजेस वाली और उसके बाद नेक्स्ट इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी की इसके बिहार पर अगर कोई गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को फार्मूलेट करना चाहे तो पॉपुलेशन पॉलिसी को फार्मूलेट करने के ना तो ये कोई सजेशन दे रही है ना कंट्रोल करने के दे रही है ना इंक्रीज करने के लिए दे रही है केवल मात्र एक ऑप्टिमम लेवल बता देने से ही पॉलिसी का फॉर्मूलेशन नहीं होता तो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन थ्योरी